سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين المجين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله مولانا العظيم सामीन ज़िक्र अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि जिसने हमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी नसीब फरमाई, फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्बत से हमें ईमान जैसी नेमत मुयस्सर हुई। हाज़रीन ग्रामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा फरमाया और पैदा फरमाने के बाद उसके शहूर में एक बात दाखिल फरमा दी कि उसके होने या उसके जीने का मकसद क्या है, जो अमूमन अहले शहूर अहले दानिश समझते हैं कि इंसान के होने का बुनियादी मकसद और असल मकसद इंसान मुर्तज़ा है, एक ऐसा इंसान बनना कि जिससे अल्लाह राजी हो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राजी हो। तो ये वो मंजिल है इंसान मुर्तज़ा। दर हकीकत इसके लिए हर इंसान पैदा होने के बाद कोशा रहता है, अनलेस के उसको अपनी जिंदगी और मकसद का शहूर ना हो। अगर शहूर है तो हर इंसान इस कायनात के अंदर इंसान मुर्तज़ा बनने के लिए कोशा रहे। हाज़रीन ग्रामी, इस मकसद का एहसास और शहूर दर हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान में वदियत फरमा दिया है। अब जरा याद कीजिएगा वो वाकया कि आलमे रवा में जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम रूहों को जमा फरमा कर उनसे एक सवाल फरमाया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, तो उन्होंने जवाब दिया था कालू बला। ये वो वक्त था जब जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबको जमा करके पूछा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, और उस पर सबने जवाब दिया यक जबान होकर, हर रूह ने, वहां पर हर रूह मौजूद थी, कुफार की भी, मुसलमानों की भी, औलिया की भी, सालिहीन की भी, शुहदा की भी, अंबिया की भी और रसूलों की भी, तो हर रूह वहां पर थी। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे ये सवाल पूछा, सबसे एक ही सवाल किया, अलग अलग सवाल न पूछे, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, तो कहा बला, मौला तू ही हमारा रब है। तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रबूबियत का इतराफ था जो आलमे रवा में हर रूह ने कर लिया था। वो इतराफ हर इंसान के पोशीदा शहूर में पाया जाता है, क्योंकि वो इतराफ अल्लाह पाक ने वदियत फरमा दिया है। होता क्या है कि अल्लाह पाक ने हमें पैदा फरमाकर इस दुनिया में उतार दिया, फिर इस दुनिया के हजूम में, मुश्किलात में, घर बार के मामलात में, रोजगार की परेशानियों, दुनिया की चमक, नफ्स की ख्वाहिशात, लज्जतों में, तलबों में इतना गुम हो गए कि हम लोग अपने हाजिर शहूर में पाई जाने वाली इंफॉर्मेशन में हम उस वादे को नहीं पाए। वो वादा हमारे बाकहमान चला गया, वो वादा जो हमें हाजिर शहूर में नजर नहीं आता,
कि हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत से एक वादा फरमा किया था, कहा था कि तू ही हमारा रब है, तो हमें वो याद नहीं आता क्योंकि उसके अंदर ये शायद पाई जाती है, तो कभी कभार ये वादा हमें याद आता है। और वो कौन से मौके जब हमें याद आता है? जब इंसान किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाता है, जब इंसान किसी मुश्किल में मुब्तला हो जाता है, अचानक तो बड़ी तकलीफ आ जाती है, तकलीफें उसे घेर लेती हैं, उसे वहां से निकलने की कोई सूरत नजर नहीं आती, वहां पर उसका माल इस्तेमाल होते हुए नजर नहीं आता, उसको अपने रिश्तेदार अजीज दोस्त अहबाब इस्तेमाल होते हुए नजर नहीं आते। जब ऐसी तकलीफ घेर लेती है तो फिर वो लाशहूर में वो वादा कि जो उसने इकरार किया था खुदा की रबूबियत का, फिर वो हाजिर शोर में आ जाता है, फिर उसको याद आता कि हाँ कोई रब भी है जिससे कुछ वादा किया था। फिर वो उसको पुकार उठता है, फिर उसकी नमाज भी पढ़ता है, फिर कुरान पाक भी खोल लेता है, फिर सुबह उठकर वो कुरान मजीद की तिलावत भी करता है, फिर वो उस जब तक उसका काम हल नहीं होता उस वक्त नहायत ही नफीस इंसान बन जाता है, ऐसे लगता है जैसे इस इंसानी में उससे बड़ा कोई नहीं है, वो हर इंसान से इस और नुकसानी के साथ नियाजमंदी के साथ पेश आता है। लेकिन जो ही चार दिन के बाद उसका ये काम हल हो जाता है, जब ये उसकी मुश्किल दूर हो जाती है तो फिर वो अकड़ जाता है, फिर उसकी गर्दन अकड़ जाती है, वो मतकब्बर हो जाता है, फिर गुरूर का पुतला बन जाता है, फिर उसकी गर्दन इस तरह अकड़ जाती है, फिर वो दुनिया के साथ वैसे हो जाता है जैसे उसका कोई रब ही नहीं है, फिर इस दुनिया में ऐसे गुनाहों में चला जाता है, ऐसे गुनाह करता है जैसे उसको कोई देख नहीं रहा। और दूसरा मौका ऐसा आता है कि जब इंसान को कोई जरूरत पेश आती है, जब इंसान को कोई हाजत होती है, तो फिर वो अल्लाह की बारगाह में मुनाजात करता है, अपने हाथ उठा लेता है कि मौला ये मेरा मसला दूर कर दे। तो इससे एक बात यह समझ आती है कि हर इंसान के अंदर ये एहसास कहीं ना कहीं पोशीदा जरूर है कि उसकी रबूबियत का इकरार किया है, उसकी रबूबियत का इकरार किया है कि कोई रब भी है। और उस इस बात से समझ आती है कि इंसान के अंदर वो मकसद पाया जाता है कि उस रब्बे कादर को पाना है, उसका कुर्ब पाना है, उसकी रजा पानी है, उसकी बारगाह में इंसानी के साथ पेश होना है। ये एहसास हर एक में पोशीदा है, लेकिन हमें बहुत कम ख्याल आता है वो रब। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस ख्याल से कभी बाहर नहीं आते, वो 24 आवर रब के हुजूर इस ख्याल में रहते हैं, फिर वो जो कुछ करते हैं वो सिर्फ अल्लाह और अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। उनकी जिंदगी का कोई काम ऐसा नहीं होता कि उसके करने लगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकाम का ख्याल ना हो। वो जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं करते कि जब वो करने लगे तो उन्हें ख्याल आ जाता है कि मेरे रब ने मना फरमाया है, इससे वो उससे वो रुक जाते हैं, हाथ खींच देते हैं उससे। फिर यही वो लोग होते हैं कि जिनके अमाल समर जाते हैं, क्योंकि हर लम्हा उनके ऊपर ये ख्याल तारी होता है, यही ख्याल उनको मंजिल तक ले जाता है, जिस मंजिल को कहते हैं कि हाँ ये शख्स इंसान मुर्तजा बन गया है, ये वो शख्स है जिसने अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारी है कि उसका मौला उससे राज़ी हो गया है। सामीन ज़िनकार आएं वो इंसान मुर्तजा बनने के लिए, हम भी अपने मौला के हुज़ूर झुक जाएं। एक बड़ी प्यारी बात मौलाना रूह ने फरमाई है, वो फरमाते हैं कि एक बादशाह था और उसका एक ग़ुलाम था, और वो ग़ुलाम इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई अक्लमंद था, तो अपने अक्लमंद होने की वजह से वो बादशाह के हमेशा करीब रहता था, तो बाद ऐसा लगता था कि ये गुलाम जो बादशाह और बादशाह गुलाम है। तो एक दफ़ा बादशाह के दरबार में कुछ फ्रूट कोई तोहफा लेकर आया, तो बादशाह ने उनको चीले उतारे और अपने गुलाम को दे दी, तो गुलाम खाता जाता कहता है वाह क्या बात है, एक भी उसने दिया, दूसरा भी दिया, तीसरा भी दिया, फिर एक उसने खुद अपने मुँह में डाल दिया। जब वो बादशाह मुंह में डालता है तो वो इतना खट्टा है, इतना कड़वा है, वो फेंक देता है,
अपने गुलाम से कहता, भाई तूने मुझे बताया क्यों? तो कहने लगा कि या बादशाह, सारी जिंदगी आपके दर से आपके हाथों से मीठा खाया है, अगर एक दिन कड़वा भी मिल गया तो क्या होगा, मैं भी इसे मीठा समझ के खा रहा हूँ। तो मौलाना रूह फरमाते हैं कि अगर बंदा बनना है उस गुलाम से सीखे। आए अपने मौला के हुजूर वो गुलाम बने कि जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है, और एक वही मकसद था वो कि हमने इंसान और जिन्नों को सिर्फ इसीलिए पैदा किया करो इबादत करें, अपनी बंदगी करें। आए उस मौला के हुजूर, आज हमें अल्लाह पाक ने जिंदगी दी है, वक्त दिया है, झुक जाए आज इस बजे आसी सारी के साथ अपने मौला को मना ले, शायद कल हमारे पास ये वक्त है। बंदगी बेशक शर्मिंदगी। तो जिन भाइयों ने सुनते हैं दादी की और सुनते पढ़ने को मांग रही है।